गुड मॉर्निंग, माइंड गुरु इंडिया की तरफ से संजीव मलिक कुछ एनएलपी टेक्निक्स के साथ। एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके ब्रेन पैटर्न को स्टडी करके बिहेवियर में डेफिनेट लॉन्ग टर्म चेंजेस लाए जा सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूं जिसे मॉडलिंग कहा जाता है। ये मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि सपोज आप किसी खास बंदे से हैंडल करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। किसी सिचुएशन को हैंडल करने में आपको लगता है यार मेरे बस का नहीं है। कोई आपके अंदर ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है, कोई ऐसा लिमिटेशन वाला बिलीफ आपके अंदर है जो ये आपको बताता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, इस बंदे को हैंडल नहीं कर सकते, इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, आप कॉन्फिडेंटली 200 लोगों के सामने बोल नहीं सकते, आपके अंदर ये गुण नहीं है, आप किसी गेम में एक्सेल नहीं कर सकते, आप अच्छी राइट नहीं कर सकते, मैथ्स में अच्छे स्ट्रांग नहीं है, या कोई भी ऐसा लिमिटिंग बिलीफ आपके अंदर हो सकता है। अब आपको अपने इस बिलीफ को चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडीनेस इज रिक्वायर्ड। क्या आपके अंदर ऐसा कोई बिलीफ है, और अगर हां तो क्या आप उसको चेंज करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि आप अगली बार मीटिंग में जाएं तो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, अगली बार उस पर्टिकुलर टीचर को फेस करें, अपने पेरेंट्स को फेस करें, अपने पार्टनर्स को फेस करें तो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें? अगर ऐसी कोई चीज आप चाहते हैं तो दिस इज द टेक्निक फॉर यू, मॉडलिंग टेक्निक। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आप उस सिचुएशन को देखिए। सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, आप ऐसे ही बाकी एग्जांपल को मैप कर सकते हैं। सपोज एक खास बंदे को या एक टीचर को फेस करने में आपको डिफिकल्ट लगता है, वो बंदा जैसे ही आपके सामने आता है आपका सारा इंटरनल सिस्टम शट डाउन हो जाता है, यार इसको हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है, फिर आ गया पकाएगा। हो सकता है ऐसी कोई थिंकिंग आपकी किसी चीज के बारे में, या एक सिचुएशन, सपोज आपको असेंबली में बोलने को कह दिया जाए, या एक मीटिंग में 100 लोगों के सामने बोलने को कह दिया जाए, 10 लोगों के सामने बोलने को कह दिया जाए, वहां आपकी हालत खराब हो जाती है। अब आप इस चीज को ओवरकम करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को आप ओवरकम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वो रिक्वायर्ड स्किल देखनी है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो आपको वो चीज नहीं करने देती। आप एक ऐसा बंदा आइडेंटिफाई करें अपने आसपास में जो इस काम को कॉन्फिडेंटली और बड़े प्यार से हैंडल कर लेता है। कोई तो ऐसा होगा, उस सिचुएशन को हैंडल करने में, उस बंदे को हैंडल करने में, उस कंडीशंस में कोई ऐसा बंदा होगा जो उस चीज को बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। अब हमें उसको मॉडल करना है। मॉडल करने का मतलब होता है उसके अंदर वो सारे एस्पेक्ट, कॉपी नहीं होता, मॉडलिंग का मतलब होता है आप उसको एज इट इज डिटो नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसका वो बिहेवियर कॉपी करेंगे, थोड़ा सा बिहेवियर उसको मॉडल करेंगे, मॉडल। अब मॉडल का मतलब देखिए, अब नेक्स्ट टाइम जब ये सिचुएशन आई और ये बंदा है, ये इस सिचुएशन को कैसे फेस करता है, आप उसको थोड़ा गहराई से ऑब्जर्व करें कैसे फेस करता है, क्या इसके अंदर चेंजेस होते हैं, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, इसके शब्द कैसे होते हैं, इसके बोलने का स्टाइल कैसा होता है, इसकी
टोन कैसी होती है, इसके जेस्चर्स कैसे होते हैं, या इसके एक्सप्रेशंस ओवरऑल कैसे होते हैं, ये कैसे खड़ा होता है, कैसे ड्रेस करता है, किस तरीके से ये इस बंदे को फेस करता है या इस सिचुएशन को फेस करता है, राइट। अब आप उसको उस सारे स्किल सेट जो आपने लिस्ट बनाई एक एक करके, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, ये वाला जेस्चर यूज किया, बोलते हुए टोन को हाई रखा या लो रखा या मीडियोकर रखा, या टोन में एक वेरिएशन लेकर आए, या फिर जेस्चर्स ऐसे किए, या फिर वॉइस को कम या ज्यादा किया, या कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज किए, एग्जैक्टली आपने देखना है कि इसने क्या ऐसा किया जो इस सिचुएशन को ये हैंडल कर पा रहा है। अब आप देखिए इनमें से कौन सा स्किल आप में मिसिंग है, कौन सा स्किल, कौन सी चीज आप में मिसिंग है। एक खास चीज निकल के आएगी, बहुत सारी चीजें नहीं, आप सिंपली बोल देते हो आई कैन नॉट डू दैट यार, मेरे बस का नहीं है। क्यों नहीं? एनएलपी आपको वो सवाल आपको खड़ा करके देती है, क्या आप करना चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ तो एग्जैक्टली पता लगाओ क्यों नहीं आप कर सकते, मुझे बताओ, क्लियरली बताओ कि क्यों वो एक्स बंदा इस चीज को हैंडल कर लेता और आप नहीं कर सकते, एग्जैक्ट डिफरेंस बताओ क्या है। एनएलपी किसको कहते हैं, बाल की खाल निकालना, आप जरा डिग करके निकाल रहे हो कौन सी चीज है जो आप नहीं कर पाते, लेट मी फाइंड इट आउट। हो सकता है कि सारी चीजें ठीक हो और आपका केवल माइंडसेट ऐसा बन गया है बिकॉज यू डोंट लाइक दैट पर्सन, यू डोंट लाइक दैट सिचुएशन, आपने माइंड को शटर डाउन कर ले, तो जैसे ही वो सिचुएशन या वो बंदा सामने आता है आप शटर डाउन कर ले, यार छोड़ो यार ये अपने बस का नहीं है। अब बिकॉज अब हम अपने आप को सुधारने पर तुले हैं, अपने अंदर वो चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने एक पर्सन को मॉडल किया, अब हम उसके बिलीफ को मॉडल करेंगे कि जब ये बंदा इस सिचुएशन को या इस बंदे को फेस कर रहा है इसके अंदर क्या चल रहा है। आप उसे पूछ भी सकते हैं, कभी कभी मौका मिले तो पूछिए, आपके अंदर ऐसा कौन सा बिलीफ है जो इस बंदे को हैंडल करते हो। अगर पूछने का मौका नहीं मिलता तो आप सिर्फ देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और उसके बिलीफ को समझने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो इसको ये बताता है कि इस बंदे को हैंडल करना तो बहुत आसान है, समहाउ इसके अंदर कुछ ऐसा है, वो क्या है, कौन सा बिलीफ है जो इसको इस सिचुएशन को हैंडल करने में ईज लगती है, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लगती है, क्या है वो बिलीफ। हो सकता है उसके अंदर एक बिलीफ हो कि आई कैन टॉक टू एनी वन ईजिली, और हो सकता है उसके अंदर ऐसा बिलीफ हो इस बंदे के साथ बात करना कौन सा मुश्किल काम है, या मुझे पता है कि मुझे तो अपने काम से मकसद है, मुझे इसके लिए चाहे किसी के साथ कैसे भी ओके ओके वाला बिहेव करना पड़े, आई कैन डू दैट। या सपोज पब्लिक स्पीकिंग की बात थी, तो इस बंदे को लगता है पब्लिक स्पीकिंग कौन सी बड़ी बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा कोई मजाक ही उड़ाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। पब्लिक स्पीकिंग में कोई आपसे बेटर है, एक्सपर्ट है, उसके मन में क्या थिंकिंग है उसे पूछो, वो यही बोलेगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। हो सकता है वो ऐसे उसकी थिंकिंग हो, वो कहेगा क्या होगा, कोई मेरा मजाक ही उड़ाएगा, इससे ज्यादा तो क्या, मुझे तो बोलना है, आई हैव टू स्पीक। हो सकता है ये बिलीफ उसके अंदर उस समय में चल रहा हो, आपको वो बिलीफ पता लगाना है। पहले आपने बाहरी जेस्चर पता लगाए, फिर आप उसके अंदर का बिलीफ पता लगा रहे हो। अब ये सारी चीजें आपके सामने हैं, अब आप यहां पर अपने नाम की लिस्ट बनाएंगे और देखें कि कौन कौन सी चीज मैचिंग है। ये वाली चीज तो मेरे अंदर भी है, किसी से भी एडजस्ट करने की टेक्निक तो मेरे अंदर भी है, आपके टोन में वेरिएशन लाने की टेक्निक मेरे अंदर भी है, हो सकता है कुछ खास वर्ड जो उसने यूज किए वो मेरे पास ना आते हों, या मेरा बिलीफ इसके बिलीफ से डिफरेंट है, मुझे मैंने वैसे ही शटर डाउन कर दिया है कि यार मैं तो बंदे से हैंडल ही नहीं कर सकता, मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। अब ये बिलीफ आपने बिलीफ में कंपैरिजन करना है, अब चेंज करना है आपने बिलीफ। अब आप ये सिचुएशन देखिए कि जो इस बंदे का बिलीफ है, यार मैं तो ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं, इसका बिलीफ है।
अब आप अपने अंदर सोचिए कि ये बिलीफ आपके अंदर कब होता है। किसी सिचुएशन में तो ऐसा होता होगा, ये बिलीफ मेरे अंदर भी होता होगा। सपोज राइटिंग कंपटीशन है, आपको लगता है यार राइटिंग तो मैं बड़ी आसानी से कर लेता हूं, या क्रिकेट है, आप कहते हो क्रिकेट अरे जस्ट फन, तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब आपके अंदर भी वही बिलीफ होता है, आई कैन डू दैट वाला बिलीफ होता है एक डिफरेंट सिचुएशन में। नाउ कैन यू ब्रिंग दैट बिलीफ नाउ एंड कैन यू रिप्लेस योर करंट बिलीफ? क्या वो वाला बिलीफ आप वहां से कैन डू वाला जो एटीट्यूड है वो इस समय में लेकर आ सकते हो? और ये वाला जो स्किल मिसिंग था कि वो खास वर्ड्स आपके पास नहीं होते, क्या वो वर्ड इस समय ला सकते हो? जिस थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप अपने जो लिमिटिंग बिलीफ को बदल सकते हो। आपने क्या किया, एक आइडल पर्सन को जो उस सिचुएशन के लिए आइडल है, आइडियल पर्सन बिल्कुल जो परफेक्ट है उस सिचुएशन को हैंडल करने में, उसका मॉडल प्रिपेयर किया, उसके मॉडल में से वो गुण निकाले जो आपके अंदर मिसिंग है, और इस मॉडल को आपने अपने लिए, इस मिसिंग लिंक को आपने अपने अंदर से उसको फिल कर दिया, अपने हिसाब से फिल कर दिया, एंड दैट्स इट। आप अपनी किसी भी लिमिटिंग बिलीफ से छुटकारा पा सकते हो, कोई भी नई बिलीफ अपने अंदर पैदा कर सकते हो, कोई भी नया माइंडसेट अपना बना सकते हो। दिस ऑल इज देयर विद इन अस। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक सेट ऑफ टेक्निक्स है जो आपके ब्रेन की, आपके माइंड की और बिहेवियर की स्टडी करके आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर करके बताता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे चेंज कर सकते हो। मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफाइड हूं, इसलिए मैंने आपके साथ ये टेक्निक शेयर की है। उम्मीद करता हूं कि अपनी बात को कन्वे कर पाया हूं, आपको समझा पाया हूं। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, इट्स सच ए पावरफुल थिंग। मैंने इसे बहुत सारे बिलीफ अपने पिछले कुछ दिनों में चेंज किए हैं। इट जस्ट टेक्स अ वाइल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी आप इससे सुलझा सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, क्योंकि इसका मतलब सिंपल सा है, मॉडल करना। कोई तो है जो इस चीज में परफेक्ट है, जो इस चीज को कर सकता है। यू जस्ट मॉडल दैट पर्सन, यू जस्ट गेट दैट गुण, वो जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो आपने अपने अंदर अब्जॉर्व कर ली। ये सारी चीजें हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत पहले से लिखी हुई है, गुणग्राही वृत्ति बनाओ लिखी हुई है। आज उसको हमने एनएलपी नाम दे दिया है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कह दिया है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जितना ज्यादा अपने आप को लिमिट करेंगे उतना ही कमजोर रह जाएंगे, और जितना अपने आप को एक्सपेंड करेंगे देन स्काई इज द लिमिट, कोई उसका आदि अंत नहीं है। आपकी कैपेबिलिटी का, आपके विश्वास का कोई अंत नहीं है। जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ जाएगा, जितना घटाओगे उतना घट जाएगा। सो डोंट लिमिट योर सेल्फ बाय एनी लिमिटिंग बिलीफ। इस वीडियो ने अगर आपकी कुछ हेल्प की है, कुछ नई चीज आपको दी है, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी साइट mindguruindia.com पर ऐसी और बहुत सारी टेक्निक्स शेयर्ड हैं, वीडियो ऑडियो आर्टिकल्स की फॉर्म में, आप उनको जरूर एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।